श्री हरिहर हॉस्पिटल। पत्रकार बंधुओं का मैं हमारे बंजार कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्वागत करता हूं सब डिवीजन में, और मेरे साथ ब्लॉक अध्यक्ष तेजा ठाकुर जी, दुष्यंत जी जो सचिव है, टहल सिंह राणा जी, टीसी मंत जी जो हमारे जिला में ए उपाध्यक्ष है, इंदु पटियाल जी प्रवक्ता है स्टेट में, और हमारे बीडीसी प्रधान और पार्टी के स्टेट जिला, और हमारे महेश जी है जो सेवा दल के अध्यक्ष है, पिंकी भंडारी जी है जो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है, और रोहिणी चौधरी जी जो चेयर पर्सन रही है, और सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। राकेश सोनू जी युवा कांग्रेस के सभी साथियों का, और सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का, और मान सिंह जी जिला परिषद, और सभी। आज जो ये हमें धरना प्रदर्शन स्थानीय विधायक के खिलाफ जो करने की जरूरत पड़ी, हमने इनको पूरा मौका जो है पिछले 5 साल यहाँ की जनता ने दिया और अभी भी दिया, तो हमने कोई हस्तक्षेप नहीं की। इन्होंने कहा कि सेंटर में भी हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, चावड़ी भी सरकार, बाहुड़ी भी सरकार, लेकिन जो इनके हालात रहे हैं, मेंटलिटी रही है, जब ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हुआ पौधारोपण का, जब हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पूरे हिमाचल में 9,000 हेक्टेयर में जो है पौधारोपण करेंगे, और इनको धन्यवाद करना चाहिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि इनको जो है विपक्ष के MLA होते हुए इनको मौका दिया प्लांटेशन का। ये फगवाना में गए, प्लांटेशन शुरू की 30 को, और वहाँ पर प्लांटेशन की अच्छी बात है, और वहाँ लगता मुझे कि वहाँ की जनता ने इनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत नहीं किया, ना कोई खान पान का ध्यान रखा, क्योंकि पिछली बार जो पहले सरकार में जो है इन्हें मुफ्त खाने की आदत पड़ी है, मुझे लगता है कि जो सरकारी तंत्र होता है उसको दुरुपयोग करते थे। और जब मेरा प्रोग्राम होता है 13 तारीख को पौलदी घाटी में, आपकी दो पंचायत है पनियार में हमने किया, और हमें खुशी है कि वहाँ के लोगों ने हमारा, चाहे BDC मेंबर नरोत्तम जी है या पूर्ण जी है, वहाँ के प्रधान है, बाजे गुजे से स्वागत किया पूरी जनता ने, महिला मंडलों ने, और खाने का भी हमारा प्रबंध किया, और साथ में और टोपी मफलर से सभी अधिकारियों से लेकर हमारे कांग्रेस पार्टी सभी को सम्मानित किया। हमने एक ये ढोल नगाड़ों के साथ एक मुहिम चलाई ताकि पूरे क्षेत्र में जो है जागरूकता पैदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वृक्षारोपण हो, ताकि एक पर्यावरण और प्रकृति का संतुलन बना रहे। कांग्रेस पार्टी की सोच है, CM साहब की सोच है, लेकिन इनको वो चीज़ रास नहीं आई। अब पलदी घाटी के लोगों ने मेरा स्वागत किया, कोटला पंचायत कूठा ने इनका स्वागत नहीं किया, मुझे लगता है इनका जो है लोकप्रियता जो है घटती जा रही है, और कह रहे कि हमें पकौड़े खाए, आपको तो अच्छा भोजन खिलाया और बैठने के लिए आपकी अच्छी व्यवस्था की, 4 दरिया लगाई मेरे लिए, 1 लगाई, तो ये कोई छोटी छोटी मेंटलिटी है इनकी। मैं चाहता हूँ, फिर इन्होंने SDM साहब की टेपिंग करवाई, और साथ में जो हमारे अधिकारी है DFO उनको बाहर निकाला अपने कमरे से, और साथ में IPS के एक्शन को झिड़काया गया, फोनी कली कि भाई आप मेरे प्रोग्राम में क्यों नहीं आते, और चाहे वो कोई भी अधिकारी है PWD के, सभी अधिकारियों को फ़ोन कर रहे हैं। मैंने एक रोप वे का प्रोग्राम रखा जी भी में, और मेरी हमारे टूरिज्म के चेयरमैन जानू जी है, तो उनसे बात हुई, पैसे का भी प्रबंध है, उन्हें कहा मैं करूँगा, साथ में रोप वे की टीम हमने लाई, SDM साहब मेरे साथ थे, तो शाम को SDM को जिरकाते हैं, आप मेरे को क्यों नहीं बुलाते हैं, मुझे भी बुलाना चाहिए था, क्योंकि हमने वहाँ की जनता को बुलाया, TCP की मीटिंग हुई, वहाँ की जनता को बुलाया, ये 18 में लागू हुआ था, 2018 में इनकी सरकार थी, इनको पता नहीं है। और दुख की बात यह है कि हमारा जो NH 305, इसकी कोई सुध नहीं है, इनको धरने देने का शौक है। और इससे पहले पूर्व मैंने बताया कि भाई इनके जो भी घर के ठेकेदार बने हैं, इन्होंने तो चारों हाथों से लूटा है। आज जो है मैं इस आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आज ये जो BJP बंजार क्षेत्र में ये दो भाई की सरकार बन गई है, एक बड़ा भाई भाषण देता है, छोटा भाई जिंदाबाद करता है, मुर्दाबाद करता है, साथ में 4 रिश्तेदार होते हैं,
तो मुझे ये नहीं पता लगता जो संगठन के आदमी बेचारे पुराने थे वो बड़े हाशिया में,